हेलो स्टूडेंट, SMBSS इंग्लिश अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सीमा गुप्ता आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के बारे में समझाऊंगी कि समास क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके भेद कितने होते हैं आदि के बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि समास का अर्थ क्या है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। इसके बाद कि समास का निर्माण कैसे होता है, तो समास का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है। उसे समास कहते हैं। ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त मतलब बहुत छोटा शब्द होना। और समास का निर्माण कैसे होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो जाता है, दोनों शब्दों का योग हो जाता है और उससे जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक। और समास के लिए दो पदों का होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। जैसे दो पद होते हैं, एक प्रथम पद और दूसरा द्वितीय पद। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद। और इन दोनों के मेल से एक नया पद बनता है, और जो नया शब्द बनता है, पद बनता है, उसे कहते हैं समस्त पद। ठीक है। इसके बाद जैसे यथा शक्ति। ठीक। अब इसका ऐसा विग्रह करें, समास को अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। तो जैसे यथाशक्ति शब्द है, इसमें दो पद आए, पहला यथा प्लस शक्ति। जैसा कि हमने पहले बताया है कि समास को बनाने के लिए दो पदों का होना अति आवश्यक है। तो देखो, दो पद हो गए, एक यथा और एक शक्ति, और दोनों को मिलाकर के एक नया शब्द बना हमारा यथा शक्ति। एक नया शब्द बन गया यथा शक्ति, और ये हो गया हमारा समस्त पद। और समस्त बनने के जो बाद हम अलग करने की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है समास विग्रह। जैसे आप समास यथाशक्ति का समास विग्रह करेंगे तो बनेगा हमारा जैसे हमने समास विग्रह किया यथाशक्ति का, तो समास विग्रह हो जाएगा हमारा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार।
ठीक है, यथाशक्ति नया सत प्राप्त हुआ हमें, जिसे हम समस्त पद कहेंगे। और सब समस्त पद को अलग किया जाता है, उसको जो समास विग्रह कहा जाता है, जैसे हमारा समास विग्रह हुआ शक्ति के अनुसार। ठीक है बच्चों, जो हम आपको समास के प्रकार के बारे में समझाएंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है अविभाव समास। अविभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय, कर्मधारय समास, और छठवा बहुव्रीहि समास। तो समास कितने भेद होते हैं? 6। नंबर 1 अव्ययीभाव, 2 तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रत्येक समास के बारे में समझाएंगे।